Hello students, welcome back. Welcome to Easy Biology Tutorials. In the last class, we discussed about the pancreas. And today, we're going to go ahead from pancreas. And we're going to discuss the disorder that is related with the secretory issue of pancreatic beta cells. स्टूडेंट्स देखो हमने पढ़ा था कि जो पैंक्रियास के अल्फा एंड बीटा सेल्स हैं पैंक्रियास इज हैविंग आइल्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स एंड पैंक्रियास में अल्फा एंड बीटा सेल्स प्रेजेंट हैं जो अल्फा सेल्स हैं दे सिक्रीट द ग्लूकागन एंड जो बीटा सेल्स हैं दे सिक्रीट द इंसुलिन सो स्टूडेंट्स जो ग्लूकागन है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है एंड जो इंसुलिन है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है कई लोगों में डायबिटीज मेलिटस जिसको हम टाइप 1 बोलते हैं स्टूडेंट्स डायबिटीज मेलिटस इज हैविंग टू टाइप्स द फर्स्ट टाइप इज डायबिटीज मेलिटस 1 डायबिटीज मेलिटस 1 The beta cells are unable to produce the insulin. So they have to intake the synthetic insulin all over their life. Alpha cells ke andar सॉरी बीटा सेल्स के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस ही होता नहीं है एंड नेक्स्ट टाइप इज द डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बट डजंट एक्ट अपॉन द टिश्यूज एंड अनेबल टू ब्रिंग डाउन The blood glucose. ठीक है जी स्टूडेंट्स इसके सिम्टम्स क्या होते हैं लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स लाइक कीटोन बॉडीज इन द यूरिन एंड इसका ट्रीटमेंट है इंसुलिन थेरेपी सो नुकसान इसका ये होता है कि हमारा ब्लड जो है दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन That is having 7.4 pH, लेकिन due to diabetes mellitus जो blood है हमारा वो sweet हो जाता है वो मीठा हो जाता है जिसकी वजह से हमारे organs damage होना शुरू हो जाते हैं हमारे organs जो है वो weak होना शुरू हो जाते हैं So we should take care of the thing and we should not basically have एक्स्ट्रा ग्लूकोज एंड हमें वॉक पे जाना चाहिए हमें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा ब्लड ग्लूकोज है वो हमारा यूज अप हो जाए इसीलिए बोलते हैं कि वॉकिंग एंड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल्स द ग्लूकोज चलो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पे दैट इज द गुनाड्स गुनाड्स आर द सेक्स ऑर्गन्स एंड दीज आर ऑफ टू टाइप्स द टेस्टिस इन मेल्स एंड The ovaries in females. The testis is the male gonad and ovary is the female gonad. So first of all, let us read about the testis. Testis is the primary sex organ of male. The males ke andar jo bhi sexual characters hai, male jo male hai, that is because of the testis because jo primary sex organ hai, that is the testis. It is the male primary sex organ and an endocrine gland as well primary sex organ hone ke sath sath matlab ki wo gamete formation karta hai and sath hi sath wo kya hai ek endocrine gland bhi hai means wo hormones ki secretion bhi karta hai a pair of testes is present in the scrotal sac scrotal sac is the बेसिकली बॉडी ऑर्गन स्किन फोल्डिंग है जो बाहर प्रेजेंट होती है बॉडी के एंड टेस्टिस आर प्लेस्ड इन द स्क्रोटल सैक एंड इनर स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस अगर हम देखें टेस्टिस इज फॉर्म्ड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड द इंटरस्टिशियल टिश्यूज उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जो क्या करते हैं
स्पर्म की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं एंड द इंटरस्टिशियल टिश्यू जो क्या करता है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. सो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड इंटरस्टिशियल टिश्यूज हैं ये तो स्पर्मेटोजेनेसिस में काम करते हैं, मतलब गैमेटोजेनेसिस में काम करते हैं, लेकिन जो लेडिक सेल्स हैं, लेडिक सेल्स आर आल्सो नोन एज द इंटरस्टिशियल सेल्स. इंटरस्टिशियल सेल्स इन द इंटरट्यूबुलर स्पेसेस प्रोड्यूस हार्मोन्स and are called androgens, that is mainly the testosterone. So you have the question now that which cells, produce the male hormones. So students, these are the Leydig cells. Leydig cells produce the male hormones and Leydig cells are also known as the interstitial cells. Hanji. Now, what is the function of testosterone? Let us read about the function of testosterone. Function of androgen. The testosterone regulate the development, maturation and function of the accessory sex organs. Accessory sex organs कौन से होते हैं? That are the organs that help in reproduction. इनकी भी development होना बहुत जरूरी होता है. And testosterone ही ऐसा hormone है जो male sex organs, males secondary sex organ को develop करने में help करता है. Spermatogenesis को कौन regulate करता है? Testis. Testes regulate the sperm production. They stimulate the sexual behavior, that is also known as the libido. So libido is the term used for the sexual behavior. You have to remember that. Because medical terminology hai, that is very different from the non-medical terminology. So you have to remember medical terms. So the function of testosterone is to stimulate the sexual behavior, to stimulate the growth of the muscles, to stimulate the growth of the hair on the body, to regulate the aggressiveness of the male, basically male behavior, the low pitch voice, etc. The testes also help in the anabolism of the protein and carbohydrate, jiski wajah se jo body hai unki properly develop ho jati hai, masculine characteristics aate hain. Okay? Ab kabhi bhi dekhoge students, jo males hote hain unki muscles bahut zyada rigid hoti hain. एंड जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स चाहे जितना मर्जी जिम कर लें, कुछ मर्जी डाइट ले लें, दे कैन नॉट हैव द रिजिड मसल्स लाइक मेन अंटिल वो टेस्टोस्टेरोन लेते हैं. जो WWE की बेसिकली विमेन होती है वो स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स लेती हैं, वो टेस्टोस्टेरोन लेती हैं, जिसकी वजह से उनके पास ऐसा कैरेक्टरिस्टिक आता है. ओके, नाउ टू अवर नेक्स्ट सेक्शुअल organ, that is ovaries. Ovaries is the primary sex organ in the female. It is the female primary sex organ. A pair of ovaries is located in the abdomen. It produces one ovum during each menstrual cycle. So, ये साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ द ओवम करते हैं. जैसे कि लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल दैट इन द मंथ ऑफ जनवरी लेट से द लेफ्ट ओवरी इज प्रोड्यूसिंग द ओवम, तो फेब्रवरी के मंथ में राइट ओवरी प्रोड्यूस करेगी and then again in the March the left ovary will produce. And then in April the right ovary will produce. In this way they are working simultaneously. And this way students these ovaries are working simultaneously. Her ovary ki turn jo hai wo 2 mahine ke baad aati hai. Like this.
So it produces one ovum during each menstrual cycle. Now, what are the function of the ovaries as endocrine glands? Let us read about this. Ovary is formed. Ovary ke andar tissues kaun kaun se hote hain students? Ovary is formed of the ovarian follicles and stromal tissues. Ovaries is formed of the ovarian follicles and stromal tissues. Ovarian follicle produce the estrogen, and after ovulation, the ruptured follicle forms a structure known as corpus luteum. Students, in this diagram, you are able to see that this is a structure. ये धीरे धीरे करके डिवेलप हो जाएगा इनटू द ओवम एंड इससे इसको मतलब कि इसको फाड़ के इसको टीयर आउट करके ओवम क्या करेगा बाहर निकलेगा एंड उसके बाद ये डीजनरेटेड कॉर्पस ल्यूटम रह जाएगा. सो डीजनरेटेड जो कॉर्पस ल्यूटम है वो दोबारा से ओवम में डिवेलप हो जाएगा, पर जब वो डिवेलप हो रहा होगा तब वो क्या करेगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करेगा. So students, this is the basic thing. Now, functions of estrogen. Functions of estrogen is again the regulation and stimulation of the activities of the female secondary sex organs. Females ke secondary sex organs jaise ki hair development, breast development, hip development, like this takes place. Development of the ovarian follicles take place. Female secondary sexual characters takes place and sexual behavior of the female is also regulated by estrogen only. The development of mammary gland is also a major characteristic that is carried out by the estrogen hormone. Females ke andar दो सेक्स हार्मोन होते हैं. द फर्स्ट वन इज द एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन का फंक्शन हमने ऑलरेडी देख लिया है. नाउ देयर इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन. द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज इट सपोर्ट्स द प्रेगनेंसी. दिस इज आल्सो नोन एज द प्रेगनेंसी हार्मोन. प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा होता है एंड प्रेगनेंसी के टाइम पे ये एल्वियोलाई की डिवेलपमेंट करता है. इन दिस केस एल्वियोलाई इज नॉट द लंग सेल्स. एल्वियोलाई है मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द mammary glands. Mammary glands के अंदर milk producing, milk secreting and milk storing cells होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ pregnant women के अंदर ही form होते हैं. इसको कौन करता है students? Regulate the progesterone. और भी hormones होते हैं जैसे कि HCG हो गया and other hormones that regulate this pregnancy. But basically we are talking about the estrogen and progesterone in this chapter. बाकी आप reproduction वाले chapter में पढ़ोगी. Now the hormones of heart, kidney and gastrointestinal tract. There are also other hormones that are present in the heart, the kidney, the gastrointestinal tract as well. The first is the arterial wall of the heart. The arterial wall of the heart produces a peptide hormone and that hormone is known as the atrial natriuretic factor or the ANF. Arterial wall of the heart produces the ANF hormone. When the blood pressure increases, ANF क्या कर देता है? Vasodilation cause कर देता है. पहले क्या हुई होती है? Vasoconstriction हुई होती है. जब हमारा blood pressure decrease होता है, जब blood pressure increase हो जाता है, तो ANF क्या कर देता है? Vasodilation कर देता है. Then is the juxtaglomerular apparatus of the kidney that produces the hormone erythropoietin. And erythropoietin क्या करता है? RBCs की बोन मैरो के अंदर आरबीसी की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है. सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट व्हाट इज द फैक्टर दैट इज नीडेड फॉर आरबीसी प्रोडक्शन एंड हु प्रोड्यूसेस इट. जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस ऑफ द किडनी प्रोड्यूसेस अ हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर हमारे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज द गैस्ट्रिन. गैस्ट्रिन इज सेक्रेटेड बाय द स्टमक एंड इट helps the cell to stimulate the production of HCL as well as the pepsinogen. Next hormone is the secretin. Secretin stimulates the exocrine pancreas to secrete water and bicarbonate ions. Next hormone is the gastric inhibitory peptide and it inhibits the gastric secretion. Gastrin hormone kya karta hai students? गैस्ट्रिक सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है. गैस्ट्रिक इनहिबिटरी जो फैक्टर है वो क्या करता है? गैस्ट्रिक के
सिक्रीशंस को कम करता है. देन कॉल साइटोकाइनिन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ बाइल एंड गॉल ब्लैडर फ्रॉम पैनक्रियास. हाँ जी. तो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज भी हैं जो क्या करते हैं, सम हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज की, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड दीज फैक्टर्स आर नोन एज द ग्रोथ फैक्टर्स. सम ऑफ द ग्रोथ फैक्टर्स हम सेल वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, बट बाकी आप हायर क्लासेस के अंदर ही डील करोगे. Now we are going to read about the Now we are going to read about the types of hormones based on the chemical nature. So based on the chemical nature of the hormones are of four types. These are the peptide hormones, the polypeptide and the protein hormones, जो प्रोटीन से फॉर्म होते हैं. ये कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं? इंसुलिन, ग्लूकागन, पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स. नेक्स्ट इज द स्टेरॉइड हॉर्मोन्स जो फैट्स के फॉर्म्ड होते हैं. दीज आर द कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्राडियोल एंड प्रोजेस्टेरॉन. नेक्स्ट इज द आयोडोथायरोनेट्स and these are the thyroid hormones. These are formed of iodine. The last type are the amino acid derivatives, that is adrenaline and noradrenaline. These are the derivatives of amino acids. Now we have to deal with a very important topic, that is mechanism of hormone action. The hormones are produced by the देखो hormones जो produce होते हैं, they are sent into the bloodstream. Bloodstream के अंदर hormones हमारे हैं, लेकिन हर tissue के अंदर क्यों नहीं काम कर रहे? जिस tissue के पास पहुंच रहे हैं सिर्फ उस tissue के पास ही क्यों काम करते हैं? Because every hormone has a specific structure and वो किसी receptor के ऊपर जाके bind करता है. देखो hormone produce their effects by binding to the specific proteins located in the target tissue. Suppose करो कि growth hormone है, growth hormone जाके हमारे stomach के ऊपर लगेगा, ठीक है? Stomach की growth की जरूरत है तो stomach के ऊपर growth hormone लगेगा. तो stomach के पास उस hormone का receptor होगा, इसीलिए जो hormones हैं they are directly sent into the blood, लेकिन काम वो वहीं पे करते हैं जहां पे उनकी जरूरत होती है. Because of the specific structure, क्योंकि किसी और tissue के अंदर वो bind ही नहीं कर पाएंगे. A hormone binds to its specific receptor to form the hormone receptor complex. And फिर वो क्या कर लेते हैं? Hormone receptor complex form कर लेते हैं. It leads to the biochemical changes in the target tissue and thereby उसका metabolism and physiological function को क्या कर देते हैं? Alter कर देते हैं. जैसे कि suppose करो students ANF है. ANF हार्मोन ब्लड जो हार्ट ने क्या किया, सिक्रीट किया. ये कहाँ पे पहुंच गए? ये पहुंच गए हमारे ब्लड वेसल्स के पास, ठीक है? तो ब्लड वेसल्स ने उसको रिसीव कर लिया क्योंकि ब्लड वेसल्स के पास रिसेप्टर था उस हार्मोन का. और ब्लड वेसल्स क्या कर गए हमारे? डायलेट कर गए ड्यू टू दिस, ठीक है? जब उन्होंने रिसीव किया तो रिसीव करने के बाद क्या हुआ? एक्शन हुआ उस हार्मोन का, जिससे उनके पास उनकी फिजियोलॉजी में और मेटाबॉलिज्म में क्या आ गया? चेंज आ गया. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हार्मोन के रिसेप्टर दो टाइप्स के होते हैं. या तो वो मेम्ब्रेन, सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हो सकते हैं, या सेल के अंदर लगे हो सकते हैं, ठीक है? ये देखो, ये सेल के अंदर है. सेल के अंदर यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है रेड कलर का. एंड इन द फर्स्ट डायग्राम वी कैन से दैट देयर इज द receptor present on the membrane. So first of all we have the membrane bound receptors. Some hormone, for example the protein hormone, these are the FSH interact, like FSH ho gaye, insulin ho gaye, glucagon and other humne protein hormones abhi padhe the.
किस टाइप के प्रोटीन हार्मोन हो सकते हैं, दे इंटरैक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स एंड डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। ये टारगेट सेल के अंदर एंटर नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, सेकेंडरी मैसेंजर को रिस्पॉन्ड करेंगे। देखो ये रिस्पॉन्स हो गया, दिस रिस्पॉन्स कि साइक्लिक एएमपी उसमें रेगुलेट हो गया, जस्ट एक मैसेज, ठीक है, कि जैसे कि मुझे कोई मैसेज देना है अपने नेबर्स को, तो मैं नेबर्स की बेल बजाऊंगी, नेबर्स बाहर आ जाएंगे, मैं उनको ही मैसेज दे दूंगी, उनके घर के अंदर नहीं जाऊंगी। एंड वो मैंने उनको जैसे नेबर्स को बोला कि आपकी जो है पानी वाली टैंकी भर गई है, आप मोटर बंद कर दीजिए, ठीक है। तो फिर मैंने उनको मैसेज दे दिया, वो क्या करेंगे, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या कर देंगे अपनी, चेंज कर देंगे। वैसे ही ये है, ये जैसे कि एक हार्मोन है कोई भी, FSH आया ओवरी के पास और उसने क्या किया, फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट किया टू सिक्रीट द एस्ट्रोजन। वो सेल के अंदर एंटर नहीं किया, बस बाहर वाली साइड मेम्ब्रेन पे जाके उसने क्या कर दिया, जो ओवरी के फॉलिकल्स वाले सेल्स हैं उनको क्या कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया दैट यू हैव टू सिक्रीट एस्ट्रोजन। सी दिस इज द रिस्पॉन्स वन। इन द रिस्पॉन्स वन जनरेशन ऑफ द सेकेंडरी मैसेंजर टेक्स प्लेस एंड साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम आयंस जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। ये क्या कर देंगे, हमारे बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस को, मतलब कि ये अंदर जाके सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे एंड सेल्स क्या कर देंगे, दे स्टार्ट सेक्रीटिंग द हार्मोन, दैट इज दे विल रिस्पॉन्ड टू द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड दे विल हेल्प इन द ओवेरियन ग्रोथ। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, दैट इज अ प्रोटीन हार्मोन जिसमें मेम्ब्रेन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जिसमें हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ऑन द मेम्ब्रेन। नाउ स्लाइड के ऊपर जो भी लिखा है हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। सम हार्मोन्स दैट इज द प्रोटीन हार्मोन्स इंटरैक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स एंड डू नॉट एंटर द टारगेट सेल इटसेल्फ। दे जनरेट द सेकेंडरी मैसेंजर्स दैट इज साइक्लिक एएमपी, IP3, कैल्शियम आयंस एंड इन इट्स टर्न इट रेगुलेट्स द सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड कॉजेस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो FSH का काम देख लेते हैं कैसे उसने किया। हार्मोन है, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लिया उसने, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म हो गया तो रिस्पॉन्स वन generates the second messenger that is cyclic AMP or calcium, and calcium की होने की वजह से, calcium ने क्या किया, उसकी जो osmolarity को change कर दिया and the cells start secreting the hormones estrogen, that is the physiological response took place and that is the ovarian growth took place. Yes. नेक्स्ट इज द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स कैसे काम करेंगे, इंट्रा मतलब इनसाइड, सेलुलर मतलब सेल्स। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं, इनके जो रिसेप्टर्स हैं, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स। सम हार्मोन्स इंटरैक्ट विद द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, मोस्टली द न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, जो मतलब कि रिसेप्टर्स सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दे आर मोस्टली द न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, मतलब दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस और आउटसाइड और नियर बाय द न्यूक्लियस, ठीक है। एंड इसकी एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं, स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, प्रोटीन हॉर्मोन्स। कौन से टाइप के एग्जाम्पल में आ रहे थे, देवर अंडर द कैटेगरी ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। एंड स्टेरॉइड हॉर्मोन्स कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, दे आर इन द कैटेगरी ऑफ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। नाउ व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द स्टेरॉइड हॉर्मोन, स्टेरॉइड हॉर्मोन की जो एग्जांपल है, दे आर द एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड एक्सेट्रा। कॉर्टिकॉइड्स, दे नाउ स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, आयोडोथायरोनाइन्स, they mostly regulate the gene expression or the chromosome function by the interaction of hormone receptor complex with the genome. The cumulative, see what happens, they enter inside the nucleus and they alter the function of the gene or the DNA or the chromosome.
The cumulative biochemical actions result in the physiological and the development effects. अब वो जो membrane bound, जब वो membrane receptor complex, sorry, hormone receptor complex form कर लेते हैं inside the nucleus, hormone receptor complex nucleus में form होने के बाद that starts altering the DNA. देखो, this is the hormone, for example, estrogen. It enters the cell, ठीक है? ये cells में enter हो रहा है, cells के nucleus के अंदर enter हो रहा है, cells के nucleus के अंदर वो receptor को ढूंढ रहा है and receptor से क्या कर रहा है? Bind कर रहा है. अब ये जब hormone receptor complex ने बना लिया, तो DNA को, chromosome को पता चल गया कि हाँ ये आ गया. तो अब क्या करेगा क्रोमोसोम? अपना जीन एक्सप्रेशन क्या कर देगा या प्रोटीन एक्सप्रेशन क्या कर देगा? ऑल्टर कर देगा एंड इट विल हेल्प इन द फिजियोलॉजिकल एंड द डेवलपमेंटल इफेक्ट्स. इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स कैसे काम करते हैं स्टूडेंट्स? द हार्मोन कम एंड बाइंड्स टू द रिसेप्टर. It forms the hormone receptor complex. Now it stimulates the genome. Stimulates the genome का मतलब हमारे genetic material को क्या करता है? ये alter करता है. In every way. That it can. जब इसने genome को ही stimulate कर दिया, तो वो genome क्या करेगा? उस type का gene expression करना शुरू कर देगा. And it will form a messenger RNA of that type that will lead into the production of that kind of hormone. Haan ji. So students, हमें ये देखना है कि क्या होता है basically. What is the basic difference in the प्रोटीन हार्मोन? जो प्रोटीन हार्मोन है वो कैसे काम करता है? प्रोटीन हार्मोन वर्क्स इन द वे इट बाइंड्स टू मेम्ब्रेन, डजन गोज इनसाइड, इट जनरेट्स द सेकेंड मैसेंजर विच alters the physiology, which alters the physiology. But जो steroid hormone है students, it goes inside the nucleus and stimulate the genome. And then help in the mRNA and ultimately the protein formation. So in this way, the two types of receptors takes place and the physiology occurs. Okay students, that was all for today's class. And with this, हमारा ये जो chapter है वो complete हो चुका है. And we have also completed the human physiology. Now we are going to start with the plant physiology. Human physiology आपके exams में भी आ रहा है. Half of the chapters of the human physiology are included in your exam. So all the best students, have a nice day, take care and thank you.